हे गाइस, वेलकम बैक। कोलकाता में बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, साइक्लोन चल रहा है। आसपास के जितने एरिया है, जितने रोड है, सारे भर चुके हैं पानी से। बड़े बड़े जो पेड़ है वो गिर चुका है, सब कुछ बंद भी है। और यहाँ पे तो ऐसा हाल है कि बाहर तो आप जा ही नहीं सकते हो। हम लोगों का पार्किंग भी पूरा एकदम भर चुका है और इतना ज़्यादा लाइन का भी डिस्टर्ब चल रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कि ये अगर और ज़्यादा हुआ, और एक दिन अगर हुआ ना, पता नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि इतना ज़्यादा पानी भर चुका है कि कोई बाहर तो जा ही नहीं सकता है, पर जो लोग गरीब है उन लोगों का पूरा घर ना डूब चुका है। इंशाल्लाह जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। कल रात में मैंने 2 एवोकाडो टोस्ट मंगवाया था, तो एक मैंने खा लिया था, पेट भर गया था, तो दूसरा वाला मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो आज मैं सुबह गर्म करके इसको खा लिया। जब से एयर फ्रायर लिया है ना, लाइफ बहुत इजी हो गया है। और इसके बाद अब मैं पीऊँगी पाइनएप्पल जूस। और हाँ, पाइनएप्पल जूस और एवोकाडो दोनों ना विटामिन सी तो होता ही है, पर हाल ही में मैं स्टडी कर रही थी, मैं बुक्स पढ़ती हूँ ना, तो उसमें मुझे पता चला डीप जो पिगमेंटेशन हमारे फेस में होता है, सबको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, जैसे माउथ एरिया में, फोरहेड में या फिर चिक पे, तो जो डीप वाला जो पिगमेंटेशन है बहुत जिद्दी होता है, उसको अगर रिड्यूस करना है, जो फेड करना है, तो रातों रात तो होगा नहीं और साल भर और महीने भी नहीं होता है। पिगमेंटेशन जाने में काफ़ी वक्त लगता है, आपको सवर रखना होता है एंड थोड़ा सा आपको उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना होता है, चाहे आप स्किन केयर कर रहे हो या फिर इंटरनल केयर कर रहे हो। आप ऑल्टरनेट करके आप एवोकाडो या फिर पाइनएप्पल अगर लेते हो या फिर डाइट पर ऐड करते हो, तो बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगा। मैंने पढ़ा इसलिए आप लोगों को बता दिया। बारिश थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए मैं टाइसन बाबू को नीचे भेज रही हूँ, थोड़ा सा घूम के आएगा और थोड़ा सा सुसुपट्टी उसको जो भी करना है कर भी लेगा। इंस्टाग्राम के अनबॉक्सिंग का मुझे काम था, तो वो सारी चीज़ मैं कर रही थी। एक्चुअली ब्रेकफास्ट के बाद मैं यही काम पे लग गई। कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ कि कितना करूँ, कोई हेल्पर नहीं है ना। सूट भी खुद करती हूँ, एडिटिंग भी खुद करती हूँ, घर का काम है, ऑफिस का काम है, यूट्यूब का काम है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई कुछ नहीं करना है, सब कुछ बंद कर दे। फिर घूम फिर के 2-3 घंटे में फिर करने लगती हूँ, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठ सकती। मुझे काम का बहुत आदत है, खाली बैठूँगी तो मैं बहुत कुछ सोचती हूँ। इसीलिए कल का रात का मेरे पास खाना अभी बचा हुआ है। कल एक्चुअली बाहर से ही खाना मंगवाया था, घर पे बनाया नहीं था, क्योंकि मेरे पास गैस नहीं था इसलिए। तो थोड़ा सा रात में खाया था, अभी गर्म करके लंच कर ले रही हूँ। एक सिस्टर कमेंट करके बोली थी कि वो डिप्रेशन में जा रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। तो आपका प्रोफेशनल क्या है मुझे पता नहीं है। अगर काम नहीं करते हो तो काम करो, अपने आप को इतना बिजी रखो कि आपको कुछ और सोचने के लिए वक्त ना हो। आपको पता भी है कि मेरा लाइफ में क्या क्या चलता है, मेरा हेल्थ इशू है, मेरा काम है, कोई एक इंसान नहीं है कि मुझे हेल्प करे। मुझे पहले थायराइड का सिम्टम्स था, अभी थायराइड भी हो चुका है, मुझे PCOD का प्रॉब्लम तो पहले से ही था, साथ ही साथ में मुझे डायबिटीज़ भी हो गया। अब सोचो कि मुझे 3-3 चीज़ें मेरा बॉडी में प्रॉब्लम है, फिर भी आप लोगों को देखने से पता चलता है नहीं। मैं कभी अपना प्रॉब्लम उतना शेयर नहीं करती हूँ, हैप्पी रहती हूँ। जो है वो है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, अपना ख्याल रखना है, दैट्स इट। अचानक से मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया है और मैंने 5 किलो वेट गेन किया है। ये सिम्टम्स मुझे जब मिल रहा था, तभी तुरंत मैंने ब्लड टेस्ट करवाया। जब ब्लड टेस्ट करवाया तब पता चला कि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम हो चुका है, डायबिटीज़ हो चुका है। सो एक हफ्ता बाद एक टेस्ट है, उसके बाद शायद मेरा मेडिसिन शुरू होगा। तो इंशाल्लाह सब कुछ कंट्रोल में। अब तो पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, एक बार जो प्रॉब्लम हो जाता है वो बॉडी में रहता है, बट उसको बैलेंस करके चलना है एंड डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके क्या डाइट कर लेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, आगे देखते हैं, इंशाल्लाह ठीक रहेगा। एनीवेज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हेल्दी सा टिक्की। तो हम लोग सब लड़कियाँ चटर पटर खाने में बहुत आगे होते हैं, और मैं ना बहुत चटोरी हूँ, बट मैं अपना हेल्थ का भी ध्यान रखती हूँ। तो मैं हेल्दी सा पनीर
टिक्का चाट बनाऊंगी, क्योंकि मेरी प्यारी सी एक सिस्टर ने बोला था कि हेल्दी रेसिपी भी शेयर करो। मुझे हेल्दी खाना तो खाना है बट उसमें टेस्ट होना चाहिए, एकदम यम सा होना चाहिए, इसलिए मैं घर पे सब कुछ बनाती हूँ। वक्त लगता है चाहे मैं कितना भी थकी क्यों ना हूँ, पर मेरा जो खाना है ना वो मुझे एकदम मेरा मन पसंद का होना चाहिए। तो मैं आई थी गुप्ता ब्रदर्स, गुप्ता ब्रदर्स में यहाँ पे नमकीन हर एक चीज़ मिलता है, स्वीट भी मिलता है, पर स्वीट के साथ तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। अभी तो डायबिटीज़ भी है, तो अभी तो कभी कभी अगर खाती भी थी तो अभी तो वो भी नहीं खा सकती हूँ, तो अभी मेरे लिए जहरी है। तो एनीवेज मैं यहाँ पे लूँगी कुछ नमकीन जो मैं घर पे रखती हूँ, कभी मैं मुड़मुड़ा बना के खाती हूँ, कभी कुछ चाट वगैरह खाती हूँ, पर बहुत ही क्वांटिटी बहुत ही कम रहता है। और मैं आगे आगे आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मैं कैसे क्या चीज़ को यूज़ करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि खाने को अपना मन को मारना नहीं है, पर कैसे बैलेंस में खा के और कौन कौन चीज़ लेके भी हम लोग अपना टेस्ट को भी बैलेंस रख सकते हैं और हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। वेस्ट बंगाल में झालमुड़ी बहुत फेमस है और मैं तो पक्का बंगाली हूँ, तो मुझे तो झालमुड़ी चाहिए। तो मैं कभी कभी जैसे 10 दिन में एक बार हो गया, फिर हफ्ते में एक बार हो गया, मैं झालमुड़ी घर पे ही बनाती हूँ। झालमुड़ी में मैं जो सारे चीज़ यूज़ करती हूँ वो ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं लेके आई। और मैं पापड़ी भी लेके आई, पर ये पापड़ी बेक किया हुआ है और आटा का है, मैदा का भी मिलता है पर आटा का है। और मेरे को ना प्रॉब्लम नहीं होता है आटा का चीज़ खाने में, पता है क्यों? क्योंकि बचपन में ना मेरे दादी बोलो, मेरे माँ या फिर मेरा पूरा खानदान में ना मैदा चीज़ ना बहुत ही कम यूज़ करते थे। वो लोग आटा का पूरी बनाते थे, आटा का रोटी, मतलब आटा से जो सारे चीज़ें होती है ना, फ्राइड चीज़ें गाँव पे भी बनता था, अम्मी भी बनाती थी, नानी के घर पे भी वही होता था। तो मैदा चीज़ वैसे ही मेरे घर वाले लोग भी कम खाते थे, मेरे को भी आदत है, इसलिए मेरे को ना फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जब मुझे पता चला कि मुझे PCOD है, इसलिए जब बोला मैदा तुमको खाना नहीं है, तो मेरे को छोड़ने के लिए कुछ जद्दोजहर करना नहीं पड़ा। मैंने ऐसे ही खाती नहीं थी और भी नहीं खाती हूँ। अभी मैं स्वीट पोटैटो को अच्छे से मैं बेक करूँगी एयर फ्रायर में। आप नॉनस्टिक में भी इसको हल्का सा फ्राई कर सकते हो। नमक दिया मैंने, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर दिया है और थोड़ा सा ब्लैक पेपर दे के उसको मैं थोड़ा सा क्रंची करूँगी। और यहाँ पर मैंने पालक पनीर और यहाँ पर मैंने ऑनियन थोड़ा सा मैंने कट कर लिया है। आप यहाँ पे पनीर के जगह पे सोया भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं पनीर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा यहाँ पे जीरा और धनिया। और ये जो ब्रेड क्रम है ये मैंने घर पे बनाया है, मेरा मल्टीग्रेन जो ब्रेड आता है उसको मैं एयर फ्रायर में पूरा क्रंची बना लेती हूँ बिस्किट के जैसे, उसके बाद मैं घर पे उसको बना के रखती हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बेसन ऐड किया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पर पानी नहीं देंगे क्योंकि जो पालक है उसमें वैसे ही पानी छोड़ता है, तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे आप और एक चीज़ ऐड कर सकते हो, काबुली चना, मतलब पनीर के जगह पे काबुली चना भी अब ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने वाइट तिल यहाँ पे मैंने दे दिया और मेरा जो क्रंची, मेरा क्रिस्पी पोटैटो रेडी हो चुका है। ये बहुत ही यम लगता है, स्वीट पोटैटो है, हेल्दी भी है एंड टेस्टी भी रहता है और जल्दी बन भी जाता है। और रेडी हो गया है मेरा टिक्का, ये बहुत ही हेल्दी है, हाई प्रोटीन है, फाइबर है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब घर पे बना के खाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड मैं तो यहाँ पे एयर फ्रायर में बना रही हूँ विदाउट ऑयल, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हो। जैसे नॉनस्टिक में थोड़ा सा ब्रश कर लोगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा आप लाल कर लोगे और ये बहुत ही क्रंची बन जाता है एयर फ्रायर में। थोड़ा सा ज़्यादा करके मैं बना के फ्रिज में स्टोर करती हूँ, फिर जब मेरा जो दिल करता है तब मैं निकालती हूँ, गर्म करती हूँ और वैसे ही चाय के साथ कभी खा लेती हूँ या फिर कभी अच्छे से ड्रेसिंग करके भी मैं खाती हूँ। हाई प्रोटीन है तो लंच पे भी ले सकते हो, डिनर पे भी ले सकते हो, फिल करके रखता है लॉन्ग टाइम तक, आपको भूख नहीं लगेगा क्योंकि फाइबर और प्रोटीन जब एक साथ हम लोग लेते हैं तो भूख ज़्यादा नहीं लगता। हेल्दी रेसिपी अगर पता हो ना तो घर पे ही आप बना सकते हो, आराम से खा भी सकते हो, कोई गिल्ट फील नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है आपका क्रेविंग जो रहता है ना वो भी शांत रहेगा, बाहर का चीज़ें आप नहीं खाओगे। और चाट किसको नहीं पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं घर पे ही खाती हूँ, हेल्दी भी रहता है, टेस्टी भी रहता है। अब मैं ऊपर से दही डाल रही हूँ और दही मैं थोड़ा ज़्यादा करके डाल रही हूँ क्योंकि मुझे चाट में दही बहुत अच्छा लगता है।
और जो मार्केट में है वो लोग बहुत कंजूसी करते हैं, तो इसलिए मैं घर पे बनाती हूँ, तो मैं अच्छे से एकदम डाल के खाती हूँ कि समरीन खा ले, ज़िंदगी जी ले अपनी। एनीवेज यहाँ पे मैंने अनियन दिया है, थोड़ा सा टोमेटो, थोड़ा सा मैंने छोटा छोटा करके पीस कर लिया था, छोटा छोटा करके रखेंगे तो अच्छा लगता है दिखने में, खाने में भी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पापड़ी ऐड कर रही हूँ, पर आप लोग देखो सिर्फ दो पीस, ज़्यादा नहीं खाना है। हमारे चाहे कितने भी हम लोग हेल्दी खा रहे हैं, हमें सब बैलेंस में खाना चाहिए। तो यहाँ पे दो जस्ट टेस्ट के लिए मैंने पापड़ी को क्रंच करके डाला। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पीनट को रोस्ट करके, मैं घर पे रखती हूँ तो मैंने पीनट को यहाँ पे डाला, फिर ऊपर से थोड़ा सा और दही ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चटनी, ये मदर्स का चटनी है, ये मैं मंगवा के रखती हूँ। यहाँ पे ग्रीन चटनी है, इमली का है, भेलपुरी है और दही का है। तो सारे चटनी को ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ। पहले ना मैं घर पे बनाती थी, पर मैं उतना तो अब खाती नहीं हूँ, कभी कभी मन किया तो खा लिया तो ख़राब हो जाता था, इसलिए मैं अभी ये मार्केट से ही मैं ले लेती हूँ, ये ब्लिंकिट से मिल जाता है। और ऊपर से यहाँ पे मैं सेव डाल रही हूँ, बांग्ला में तो इसको सेव बोल रहा है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। और थोड़ा सा कूटा हुआ यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं था इसलिए मैंने डाला। और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सारी चीज़ डाल के धनिया पत्ता ऊपर से अच्छे से गार्निश कर देंगे। तो रेडी हो गया है पनीर टिक्का चाट, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, गिल्ट फ्री आप खा सकते हो, और इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो मुझे प्लीज़ फीडबैक शेयर करना, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे हेल्दी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं अपना ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। है तो बहुत सारा हेल्दी रेसिपी, हेल्दी सूप आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, और ये सच में बहुत ही टेस्टी यम है, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। अगर ट्राई करोगे तो मुझे फीडबैक में ज़रूर आप लोग शेयर करना। अमेजन से मैंने एक कैमरा ऑर्डर दिया है, बेडरूम का कैमरा, थोड़ा सा डिस्टर्ब दे रहा था तो मैं न्यू कैमरा भी ऐड करूँगी, क्योंकि बाबू लोग घर पे पूरा दिन क्या करते हैं मैं मॉनिटर करती रहती हूँ, क्योंकि ऑफिस में रहती हूँ तो मुझे स्ट्रेस होता है, और कैमरा में जब मैं देखती हूँ वो लोग खा रहे, पी रहे, सो रहे, घूम रहे, तो मुझे अच्छा भी लगता है, मैं आराम से अपना काम पर फोकस भी कर पाती हूँ। देखने में तो काफ़ी क्यूट लग रहा है, यूज़ करके पता चलेगा कैसा है। फाइनली बारिश रुक गई है, तो सुबह उठते ही पहले ही मैंने टाइसन के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था, क्योंकि टाइसन का आज ग्रूमिंग डे है, और टाइसन का आज पूरा फुल बॉडी का ग्रूमिंग होता है। हर 10 दिन में एक्चुअली मैं ग्रूमिंग करवाने टाइसन को लेके जाती हूँ। गाड़ी मैंने ले लिया, कल पूरा पार्किंग भरा हुआ था, आज देखो पार्किंग पूरा एकदम पानी वानी सब निकल गया है, और टाइसन कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मम्मा अब उसको लेके जा रही है घूमी घूमी करने, पर उसको पता नहीं है कि उसको नई नई करने लेके जा रही हूँ। अब जब चला जाएगा तब उई उई करके आवाज़ करता है। टाइसन मम्मा के साथ कहाँ जा रहे हो? घूम घूम करने? नहीं नहीं करने। टाइसू टाइसू इधर इधर नहीं नहीं करने जा रहे हो? ए टाइसू नहीं नहीं करने जा रहे हो? ये लड़का बहुत बदमाश है, बहुत ज़्यादा। टाइसन ना बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही समझदार बच्चा है, वो मेरा आंखों का इशारा तक समझता है, और मुझे कितना वो प्रोटेक्ट करता है वो मुझे ही पता है। आई मीन स्वीट हार्ट है, मेरा बेटा है, मेरा जान है वो। और जब भी मैं ड्राइव करती हूँ ना, तब तब मैं वीडियो नहीं बना सकती, और आज तो मेरा दोस्त नहीं है कि मेरा मोबाइल पकड़ के देगा, मेरे पास वो फ़ोन पे लगाने का जो होता है स्टैंड गाड़ी का वो नहीं है। मैं हमेशा सोचती तो हूँ लूँगी, पर ले नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ। अब मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं जाती हूँ, जाके आप लोगों से मिलती हूँ टाइसन के सैलून पे। आते
ही टायसन बाबू का यहाँ पे वेट चेक कर रहे हैं भैया लोग। यहाँ पे हर कोई स्टफ टायसन को पहचानता है, 5 साल से आ रहा है और टायसन को ये सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत पैम्पर भी करता है। और अभी ग्रूमिंग करने में टायसन को ना 3 घंटा लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा शॉपिंग कर लेती हूँ बाबू लोगों के लिए और मेरा बिल्ला के लिए, देखते हैं क्या क्या लेती हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है, कैट का, ग्रूमिंग का, खाने का, फिर टॉय, हर एक चीज़ है, क्योंकि बहुत बड़ा एक शोरूम है जहाँ पे सैलून भी है, डॉक्टर भी है, यहाँ पे ऑपरेशन भी होते हैं, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है और मेरा घर का बस 15 से 20 मिनट लगता है, पास में ही है। टायसन का ग्रूमिंग शुरू हो चुका है, 3 से 3.5 घंटे लग जाता है क्योंकि बड़ा डोगू है ना, तो बहुत वक्त लगता है और बहुत अच्छे से भी ग्रूम होता है आराम आराम से। और मैं सामने ही रहती हूँ ताकि उसको ये ना लगे कि मम्मा कहाँ चली गई, तो इसलिए मैं सामने ही रहती हूँ, तो वो भी मुझे देखता है, मैं भी उसको देखती रहती हूँ। और यहाँ पर जो भैया लोग हैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है और मैं देखती भी रहती हूँ। अभी उसका नेल्स कट होगा, उसके बाद उसका नोज़ को क्लीन किया जाएगा, उसके बाद उसका आई क्लीन किया जाएगा, उसके बाद उसको ईयर क्लीन किया जाएगा, उसके बाद उसका पूरा बॉडी थोड़ा सा ग्रूम किया जाएगा, उसके बाद उसको नाई नाई किया जाएगा। तो उसका बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस रहता है और 3 घंटा 3.5 घंटे तो कहीं नहीं है, इतना टाइम तो लगता है। मैं जब जब ग्रूमिंग कराने लेके जाती हूँ मेरा पैर दर्द होता है क्योंकि मैं खड़ी रहती हूँ, बैठती भी नहीं हूँ क्योंकि मैं उसको देखती रहती हूँ ना, वो सिर्फ देखता है कि मम्मा कहाँ है। और उसको ना यहाँ पे 4 बार शैम्पू किया जाता है, नहीं 3 बार, मतलब एक बार हुआ, फिर दोबारा, फिर 3 बार, फिर 4 बार में कंडीशनर होके लगा के 5 मिनट रख के फिर वॉश किया जाता है। एनिमल्स रखना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको तभी घर पे रखो, नहीं तो ना रखो, क्योंकि एंटरटेनमेंट करने का कोई चीज़ नहीं है, ये एक नन्ना सा जान है, इसमें भी एक जान होता है, फीलिंग्स होता है, सबसे अच्छी बात है अच्छी लाइफ दे सको, टेक केयर कर सको, तभी घर पे रखना चाहिए। अब टायसन को भैया लोग हेयर ड्रायर कर रहा है और ये सिर्फ मैं नहीं करती हूँ कि हेयर ड्रायर से अपने बालों को सेट नहीं करती हूँ, मेरा बेटा भी करता है। और यहाँ पे भी मेरा पार्सल आया हुआ है क्योंकि भैया जो था पार्सल वाला मुझे कॉल किया कि मैम आप कहाँ पर हो, आपका पार्सल है, तो मैंने बोला शॉप का नाम लिया, तो बोला कि ठीक है मैं आ जाता हूँ आपको दे देता हूँ, तो घर के पास में ही था तो मुझे आके डिलीवर करके दिया। यहाँ पे एक सूट है रेड कलर का, मैंने अनारकली एक सूट ऑर्डर दिया था तो मुझे रिसीव हो चुका है, तो अब मैं जब पहनूंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। सैलून से घर आने के बाद मैंने नहा लिया, खाना भी खा लिया था और अब मैं आप लोगों को कंसीलर एंड फाउंडेशन का रिव्यू दूंगी। कुछ टाइम से मेरे पास बहुत सारा ऐसा कमेंट भी आया है, मैसेज भी आया है कि दी थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस में पर अच्छा कंसीलर और फाउंडेशन का कुछ रिकमेंडेशन आप लोगों को मैं दूँ, तो मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वही सारे आप लोगों को रिकमेंडेशन मैं दे रही हूँ। तो केया ब्यूटी का जो कंसीलर है, नॉरियल का कंसीलर है, बेनिफिट का कंसीलर है, बेनिफिट का कंसीलर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इलेगल का कंसीलर है और यहाँ पे मेबेलिन का कंसीलर है, स्विच ब्यूटी का कंसीलर है। बेनिफिट का जो कंसीलर है वो मैंने सफोरा से लिया था, बाकी जितना कंसीलर है किसी का भी टोन मेरे स्किन के साथ मैच नहीं होगा क्योंकि सारे मिसमैच टोन मैंने रिसीव किया है, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे समझ में नहीं आता है, मैं गलत सलत में जो शेड है मंगवाती हूँ और जिसकी वजह से मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ, तो जो लाइट शेड मैंने 1-2 लिया है ताकि मैं वो मिसमैच करके अपनी स्किन टोन का मैं अच्छे से उसको ब्लेंड करके लगा सकती हूँ, तो इसलिए डार्क और लाइट में मिक्स करके मेरे स्किन टोन में आ जाता है। तो यही सारे जो कंसीलर है अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हो एंड रिजनेबल प्राइस में भी है, पर सबसे अच्छा जो बोलोगे वो है आपका किया ब्यूटी कंसीलर, क्योंकि हाइड्रेटिंग है और सामने विंटर है तो अच्छा ही रहेगा। और मेरा स्किन टोन का जो है वो है हुडा ब्यूटी का और बेनिफिट का कंसीलर, क्योंकि मैंने सफोरा से जाके लिया है इसलिए मेरा स्किन टोन के साथ मैच करता है। और जो फाउंडेशन है वो है मेवलिन का, ये भी अच्छा फाउंडेशन है। और एक है वो है मैक, ये थोड़ा सा मैट है, ड्राई है, तो समर के लिए ठीक है, विंटर के लिए उतना ठीक नहीं है। एंड एस्टे लॉडर ऑल टाइम, ये चाहे समर हो विंटर हो सब टाइम के लिए बेस्ट है, लाइट वेट फाउंडेशन है, ये फुल कवरेज नहीं देता है बट बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। एंड डॉट एंड की का हाल ही में मैंने टिंटेड सनस्क्रीन लिया था,
एक बार अप्लाई किया और मुझे लगा कंसीलर लगाने से, रोज़ रोज़ मेकअप करने से अच्छा है टिंटेड सनस्क्रीन लगा लो, एटलीस्ट हाइड्रेटिंग और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लुक दे देगा, पर इसमें कोई कवरेज वगैरह वैसा कुछ देता नहीं है, तो अच्छा है चाहे तो कॉलेज या स्कूल गोइंग या फिर टीनेज गर्ल यूज़ कर सकते हो। मेकअप के साथ मेकअप ब्रश को क्लीन करना टाइम टू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्म पानी से थोड़ा सा मैंने डिश वॉश लिक्विड थोड़ा सा मिक्स करके इसको मैं 1 घंटा छोड़ दूंगी, उसके बाद इसको क्लीन कर लूँगी। सारे ब्रश को क्लीन करके मैंने एयर ड्रायर करने के लिए छोड़ दिया। सारे काम खत्म करके फ्री होके अब मैं आई हूँ मूवी देखने के लिए, ताकि थोड़ा सा मूड को भी तो अच्छा करना बनता है ना, क्योंकि घर पे रहते रहते बहुत सारा चीज़ सोचने लगते हैं, एंड मूवी देखो बाहर जाओ घूमो फिरो तो आप खुश रहते हो, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है और खुद को खुश रखना सबका हक बनता है। सो यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न थोड़ा सा मैंने चाट वगैरह ऑर्डर दे दिया, पॉपकॉर्न मैंने ले लिया। आप लोगों को कौन सा पॉपकॉर्न पसंद है? मुझे तो चीज़ पॉपकॉर्न ही अच्छा लगता है, कैरेमल भी अच्छा नहीं लगता, सॉल्टेड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब आप अपना लाइफ खुद के लिए और खुद के हिसाब से जीना चाहते हो, तब ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि खुद आप अपने आप को क्या कहोगे। खुद हमेशा एक ही बात बोलोगे अपने आप को देख के कि यू डिज़र्व एवरीथिंग। और मैं भूखकर यहाँ पे खाने लगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और सही से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो इसलिए कंट्रोल नहीं हुआ। लाइफ में चाहे कुछ भी हो, अपने आप को डीमोटिवेट मत करना। जैसे कि मुझे ही देख लो, मुझे जब पता चला कि मुझे थायराइड हो गया है, मुझे अभी डायबिटीज़ भी है, अगर मैं डीमोटिवेट होकर घर पे बैठ जाऊँ रोने धोने लगूँ तो उससे तो और डिप्रेशन होगी ना, इसलिए खुश रहो। कॉमेडी मूवी देखना मुझे पसंद है क्योंकि मैं खुश हो जाती हूँ, मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। सो आप लोगों के साथ मैंने अपना लाइफ का कुछ मोमेंट शेयर किया और अब मैं पॉपकॉर्न खाते खाते घर जाऊंगी। सो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।